नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। जी हां, मोहन यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहां से मेरा पुराना नाता है, 400 साल पहले मेरे परिवारजन यहीं से मध्य प्रदेश गए थे। मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छा काम कर रही है और इसका श्रेय उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। आइए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। सीएम मोहन यादव के बयान सपा और अखिलेश यादव को कर सकते हैं परेशान। जाने क्या कहा सीएम मोहन यादव ने। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत ही कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से मेरा खास रिश्ता है। इस बयान से क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़े, लोग भाजपा से जुड़े, इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अखिलेश भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है, मेरे लिए और गौरव की बात है। करीब 400 साल पहले मेरे पूर्वज यहीं से गए थे। आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरी विशेष रिश्ता भी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच आकर अत्यंत आनंदित हूँ। इसके अलावा मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि उन्होंने लिखा कि इस प्रसन्नता की आज मैं अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आजमगढ़ में संगठन के कार्यक्रम के साथ अलग अलग बैठकों में शामिल हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ तीन अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब इसी के लिए कृतसंकल्पित है और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूं, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो जो उनको उत्तरदायित्व तो दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बनके नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्यों और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। मेरे साथ आज माननीय चौधरी जी और बाकी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, चूंकि आजमगढ़ मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहाँ बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे।